गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई मुस्लिम असलम। दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंसर्शन एंड डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। तो आज हम ऑपरेशन देखेंगे इंसर्शन और डिलीशन का बाइनरी सर्च ट्री में। तो इस पे और भी हैं, सर्चिंग है एंड मॉडिफिकेशन भी है, बट आज हम बात करेंगे इंसर्शन की। ट्री में एक न्यू वैल्यू को कैसे इंसर्ट किया जाता है, अगर ट्री के अंदर कोई वैल्यू होती है तो उसको कैसे डिलीट किया जाता है। ठीक है, तो इंसर्शन देखते हैं। इंसर्शन में सबसे पहले आइटम जो मैंने ले रखा है, आपको ऊपर दिखता होगा, आइटम इज इक्वल टू एक्स। तो जो आइटम है आपका एक्स, वो क्या है, न्यू मतलब कोई वैल्यू है जो नोड आपको ट्री में इंसर्ट करनी है या फिर डिलीट करनी है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है आपका ट्री, ट्री टू बी सर्च, इनको आप केसेस भी बोल सकते हो, पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक हो, जिसको हमें इंसर्ट में हमारी यही तीन पॉइंट का मेनली हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ट्री टू बी सर्च फ्रॉम रूट नोड, ट्री में आपकी जो कोई भी ट्री दे रखी होगी उसको हम सबसे पहले सर्च करेंगे रूट नोड से। ठीक है, इफ़ द एक्स इज फाउंड टू नथिंग, मीन्स कि अगर आपका जो एक्स आइटम है वो ट्री के अंदर है या नहीं है, पहले सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा। जैसे जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है वो ट्री के अंदर चेक करनी पड़ेगी। अगर ट्री के अंदर वो वैल्यू पहले से है तो हमें फिर इंसर्ट करेंगे क्या, फिर कुछ करने के लिए इंसर्ट रहेगा ही नहीं। अगर वो वैल्यू नहीं है तभी वो वैल्यू को आप इंसर्ट करोगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि इंसर्ट एक्स एट द लास्ट स्पॉट, यानी कि जो आप इंसर्ट कर रहे हो जो वैल्यू, उसको लास्ट स्पॉट पे इंसर्ट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर मान लिया कि आपके प्लेस होते हैं, वो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि लास्ट स्पॉट पे आपको कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी होगी ऑन द पाथ ट्रेवर्सल। तो मैंने इन दोनों को अंडरलाइन करके आपको दिखाया है कि लास्ट स्पॉट पे वो वैल्यू को आपको इंसर्ट करना है ऑन द पाथ ट्रेवर्सल। जब आप पाथ को ट्रेवर्सल करोगे, अगर वो मतलब जो बाइनरी सर्च ट्री क्या कहती है, बाइनरी सर्च ट्री कहती है कि आपकी जो रूट नोड होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, वो आप उसके दो चाइल्ड होते हैं। तो लेफ्ट वाला चाइल्ड जो होता है वो अपने पेरेंट्स से छोटा होता है और राइट वाला चाइल्ड जो होता है वो अपने पेरेंट्स का बड़ा होता है। ठीक है, तो वही हमें फिर चेक करना होगा कि वो मतलब जो हमने वैल्यू इंसर्ट करी है वो वैल्यू अपनी सही पोजीशन पे है या नहीं है। अगर सही पोजीशन पे है तो हमें कुछ उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, अगर वो अपनी सही पोजीशन पे नहीं है तो वैल्यू को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये मैंने क्वेश्चन ले रखा है, इसमें हमने सबसे पहले ट्री बनाई है। ठीक है, ये ट्री हमने डिज़ाइन की है। इस ट्री में आप देख सकते हो 22, उसके 22 आपका रूट नोड है, 22 के टू चाइल्ड हैं, यानी कि 22 का जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है वो उससे छोटा है और राइट वाला चाइल्ड है वो उससे बड़ा है 33। ठीक है, ऐसे ही 12 है, 12 भी अपना, उसके भी टू चाइल्ड हैं, यानी कि 11 एंड 14, 11 उससे छोटा है, 14 राइट वाला चाइल्ड बड़ा है, और 14 के भी 14 का ओनली वन चाइल्ड है 13, यानी कि लेफ्ट वाला चाइल्ड 14 से छोटा है। तो ट्री सही है, अभी तक तो ट्री सही है, बट ट्री में आप देख सकते हो रूट नोड को हमने प्लेस दे रखा है 1, 12 को 2 दे रखा है, 33 को 3 और 12 को 4, 14 को 5। ऐसे ही अगर 33 का रूट आता, यानी कि 33 के टू चाइल्ड होते तो क्या होता, 6 एंड 7, और 11 के टू चाइल्ड होते तो होता 8 एंड 9। तो 11 के कोई चाइल्ड है नहीं, तो यानी कि 14 का एक चाइल्ड दे रखा है, तो वो कौन से प्लेस पे है, 10 पे। यानी कि अब हमें कोई भी न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी होगी वो कहाँ पे करनी होगी, 11 पे। यानी कि 10 हमारा लास्ट स्पॉट था, अगर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी होगी तो वो कहाँ पे करनी होगी, 11 पे। तो देखिए, मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है, हमें इंसर्ट क्या करना है, 15। अब सबसे पहले ट्री जो हमारे पास दे रखा है, जो ट्री हमारे पास है उसमें चेक करेंगे कि 15 वैल्यू है या नहीं है। तो अब देखो, चेक कर रहे हो आप, 15 वैल्यू तो यहाँ पे किसी में नहीं है, यानी आपने ट्री भी देखा, इसमें कहीं 15 वैल्यू आपको नहीं दे रखी थी, तो यानी कि आप 15 आप आसानी से इसको इंसर्ट कर सकते हो। तो कैसे इंसर्ट करोगे, सबसे लास्ट स्पॉट पे आपको देनी है, ये मैंने थर्ड पॉइंट में आपको अंडरलाइन करके दिखाया लास्ट स्पॉट। तो लास्ट स्पॉट क्या है, 10 के बाद 11, यानी कि 14 का वो राइट चाइल्ड बनेगा, राइट चाइल्ड बनेगा 14 का, तो 15 वहाँ पे प्लेस कर देंगे हम। तो वहाँ पे प्लेस हुआ, यानी कि उस प्लेस का नाम क्या है, 11, वो इस पे हमने प्लेस वहाँ पे कर दिया। अब क्या करेंगे, पाथ को ट्रेवर्सल करेंगे, यानी कि जो 22 था रूट नोड था उसके टू चाइल्ड थे 12 एंड 33, तो यानी कि ये तो सही था, 12 छोटा था, 33 बड़ा था। ऐसे ही हम 12 को देखेंगे, 12 भी अपने 12 के भी सही चाइल्ड बैठे हैं, यानी कि लेफ्ट वाला 11 पे प्लेस है और राइट वाला आपका 14 है, वो आपका राइट में प्लेस है। 14 के टू चाइल्ड है 13 एंड 15, तो यानी कि ये हमने ट्री को जब सर्च किया तो ये ट्री हमारी सही थी, तो इसमें हमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी, 15 का जो प्लेस था वो सही प्लेस पे अपना आ गया था।
ठीक है, हम इसी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा ये एग्जाम्पल। देखिए ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है, इसमें हमें इंसर्ट क्या करना है, इसी ट्री में, ये जो ट्री था इसी ट्री में हम इंसर्ट करना है 37। अब 37 को इंसर्ट करना है तो 37 कैसे इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये जो आपका पूरा ट्री है यानी कि आपका 11 जो लास्ट स्पॉट यानी कि लास्ट स्पॉट है वो है 11, यानी कि 12 पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए 37, और 12 इस ट्री में है ही नहीं क्योंकि 12 कहाँ आता, 12 आपका कुछ इस जगह आता, ऐसे वैल्यूज़ आती, यानी कि 33 के दो चाइल्ड होते, एक होता आपका लेफ्ट और एक होता राइट, यानी कि ये होता आपका 6, ये होता 6 और ये होता 7, ठीक है। ऐसे ही 6 के भी दो चाइल्ड होते, ठीक है, एक होता 6 के तो दो चाइल्ड होते यानी कि 13-15 था, तो यहाँ मतलब 11 था, ये 12 होता और ये होता आपका 13, ऐसे दो चाइल्ड, तो इसका मतलब कि जो आपका ये वाला पॉइंट होता तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आती 37, तो ये वाला ट्री है ही नहीं आपके पास, तो लास्ट 12 है ही नहीं, यानी कि 12 प्लेस आपका अवेलेबल है ही नहीं, तो इसका मतलब जो 37 है वो आपका कहाँ जाएगा, आपके 33 के लेफ्ट यानी कि 33 के कोई चाइल्ड है नहीं, तो 33 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा या फिर राइट चाइल्ड बनेगा, तो आप देखो कि 37 जो है वो 33 से बड़ा है तो लेफ्ट चाइल्ड तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब वो राइट चाइल्ड बनेगा, तो हमने 37 को कहाँ प्लेस किया, आपने 37 को प्लेस किया 7 नंबर पे, क्योंकि अगर 33 के दो चाइल्ड होते एक होता 6 और एक होता 7, तो हमने 7 पे 33 को प्लेस कर दिया। तो अब आप चेक करोगे जो आपकी ट्री बन के आई है, ये जो ट्री बन के आई है इसको चेक करोगे कि इसके दोनों चाइल्ड जो हैं वो अपनी सही जगह पे प्लेस हैं, यानी कि आप स्टार्टिंग से सर्च करना स्टार्ट करोगे तो सारे जो भी इसका ट्री नोड है वो अपनी सही जगह पे प्लेस है, आपको दिखती होगी ऐसे, तो यानी कि ये आपको इंसर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया। 3 ही केसेस इसमें लगते हैं, ये आपके केसेस हैं, सबसे पहले ट्री टू बी सर्च फ्रॉम रूट नोड, दूसरा आपका है इफ़ द एक्स इज़ फाउंड डू नथिंग, अगर आपका आइटम एक्स यानी कि जो आइटम 15 ट्री के अंदर होता तो हम ट्री में कुछ इंसर्ट करते ही नहीं, ठीक है, अगर इंसर्ट कर रहे हो यानी कि जो आइटम 15 आया उसको लास्ट स्पॉट पे, फिर उसको पाथ को ट्रेवल्सल करोगे यानी कि पाथ को चेक करोगे कि वो जो आपका नोड आपने इंसर्ट करी है वो आपकी सही प्लेस पे है या नहीं है ट्री में, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंसर्शन, अब हम देखेंगे डिलीशन। तो डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन आप देखिए, सबसे पहले इसके मैं आपको रूल्स बताऊंगी, जो आपकी ये सर्चिंग मैंने 4 पॉइंट दे रखे हैं, सबसे पहले इसके रूल्स देख लेते हैं। सर्च फॉर एक्स टू बी डिलीटेड, एक्स मैंने पहले ही बता दिया, एक्स वो आइटम है जिसको हमें या तो इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है, तो ये जो डिलीशन वाला पार्ट है तो इसमें आपको क्या करना है, एक्स को डिलीट करना है। तो सर्च फॉर एक्स टू बी डिलीटेड, हमें ट्री के अंदर क्या करना है, उस एक्स को सर्च करना है, अगर वो ट्री के अंदर है तभी तो डिलीट करोगे, अगर वो ट्री के अंदर नहीं है तब किस चीज़ को डिलीट करोगे, तब कोई भी नोड डिलीट होगी ही नहीं, तो सबसे पहले तो हमें उस आइटम को सर्च करना है ट्री के अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ नोड इज़ अ लीफ नोड, अगर आपकी नोड यानी कि लीफ नोड है, लीफ नोड कौन सी नोड होती है, वो नोड जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं होते हैं, ठीक है, तो जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं होते वो कहलाती हैं लीफ नोड, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। इट कैन बी डिलीटेड इमिडिएटली, अगर ये दूसरा केस है, अगर आपका कोई भी लीफ नोड, ठीक है, लीफ नोड ट्री में डिलीट करने के लिए आता है तो आप उसको इमिडिएटली डिलीट कर सकते हो, उसके लिए आपको ट्री को कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लास्ट नोड को जैसे ही डिलीट करने के लिए बोलता है तो चुपचाप उसको डिलीट करके हटा दो ट्री से, ठीक है। तीसरा क्या पॉइंट होता है, इफ़ नोड हैज़ वन चाइल्ड, अगर आपका कोई नोड ऐसा है जिसका ओनली वन चाइल्ड है, ठीक है, कोई भी नोड अगर आपका है उसका ओनली वन चाइल्ड है, तो द नोड कैन बी डिलीटेड आफ्टर इट पेरेंट्स, यानी कि जो आपका नोड है वो डिलीट करेगा आफ्टर इट्स पेरेंट्स एडजस्ट अ पॉइंटर टू बाईपास द नोड, यानी कि वो जो आपके पेरेंट्स और उसका वो होगा उस पर वो बाईपास करेगा, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लास्ट पॉइंट की इसके बात करते हैं, लास्ट केस की बात करते हैं, इफ़ द नोड हैज़ टू चिल्ड्रन, अगर आपके नोड के टू चिल्ड्रंस हैं, द स्ट्रेटजीज टू प्लेस द डेटा ऑफ दिस नोड विद द स्मॉलेस्ट डेटा ऑफ द राइट सब ट्री, यानी कि हम राइट सब ट्री की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई नोड है जिसके राइट सब ट्री में आप दे तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्री देख लेते हैं, हमने ये ट्री ले रखी है, ठीक है, ये ट्री ली है, इस ट्री में सबसे पहले आप देखिए
ये सेम वही पुरानी ट्री ली है जिसमें हम पहला केस लगाते हैं, यानी कि हमें डिलीट करना है 13 को। तो ट्री हमने चेक कर ली, ट्री में हमारा 13 था, ठीक है। तो अब डिलीट करना है 13 को। दूसरा इसका केस क्या कहलाता है, इफ़ नोड इज़ अ लीफ नोड इट कैन बी डिलीटेड इमिडिएटली। तो उसने कहा डिलीट करिए 13 को। तो अब आप इस ट्री के अंदर देखोगे कि डिलीट आपको 13 करना है। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे 13 आया, अब 13 को डिलीट करना था आपको। तो 13 क्या था, लीफ नोड था, क्योंकि लीफ नोड इसलिए था उसके कोई चाइल्ड नहीं थे, इसके बाद कोई चाइल्ड नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे कितने नोड थे ट्री के अंदर, एक 33 था, 33 का भी कोई चाइल्ड नहीं था, 11 का भी कोई चाइल्ड नहीं था और 13 का भी कोई चाइल्ड नहीं था। बट हमें डिलीट क्या करना था, हमें डिलीट करना था 13। तो हमने 13 को इमिडिएटली डिलीट कर दिया, यानी कि दूसरा केस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। तो ट्री में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 13 ट्री में देखा, 13 था, तो 13 क्या था, लीफ नोड था, तो 13 को हमने चुपचाप डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ट्री आपकी जैसी थी वैसी ही रहेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा केस। दूसरा केस आपको ये दिख रहा होगा, दूसरे केस में हमें क्या करना है, डिलीट करना है 14 को, ठीक है। ट्री हमने वही ले रखा है सेम, और हमें केस टू को अब इसमें देखना है कि डिलीट हमें कैसे करना है 14 को। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, पहले इसका रूल्स पढ़ लेते हैं। इफ़ नोड हैज़ वन चाइल्ड, यानी कि अगर आपकी नोड है उसका केवल एक ही चाइल्ड है, द नोड कैन बी डिलीटेड आफ्टर इट पेरेंट्स एडजस्ट अ पॉइंटर टू बाईपास द नोड। तो देखिए ये आपका जो 20 आपको 14 डिलीट करना है, तो 14 आपका क्या है, 12 का राइट चाइल्ड है 14। तो 14 का ओनली वन चाइल्ड दे रखा, क्योंकि हमें ऐसी नोड डिलीट करनी है जिसका ओनली वन चाइल्ड है। तो ये तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हो रहा है ना, कि यानी कि 14 का एक ही चाइल्ड था 13। तो 13 क्या करेगा, यानी कि 14 के पेरेंट्स से बाईपास करेगा जिस नोड को हमें डिलीट करना है। यहाँ आप देखिए, जैसे हमें 14 को डिलीट करना है, तो 14 का एक ही चाइल्ड था 13। जब एक ही चाइल्ड होता है तो वो क्या करता है कि वो अब उसकी रूट नोड, यानी कि उसका रूट नोड क्या है 12, तो 12 से बाईपास कर लेगा, यानी कि 13 ऊपर चला जाएगा और 12 इसकी। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको ट्री दिखेगा और 14 आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जो जब ये मॉडिफाई होके कैसा दिखेगा आपको, इस तरीके से देखिए 22 आ गया, 22 के टू चाइल्ड हो गए 12 एंड 33। तो यानी कि बाईपास किया, 12 का चाइल्ड क्या बन जाएगा 13, ठीक है। ये आपको दिखता होगा, इसने बाईपास कर दिया, 12 तो आपका था ही, और 12 का चाइल्ड अब क्या हो गया 13, क्योंकि 14 आपकी रूट जो नोड थी वो डिलीट हो गई। तो जब डिलीट हुई तो इसका 12 का चाइल्ड क्या हो गया 13। तो वो 13 कहाँ जाएगा, उसका राइट चाइल्ड बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको ट्री दिखेगा जब आप डिलीट करोगे 14। तो ये आपका केस कौन सा था, केस थर्ड था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फोर केस में। फोर केस हमारा क्या बोलता है, इफ़ द नोड हैज़ टू चिल्ड्रन, द स्ट्रेटेजी टू प्लेस द डेटा ऑफ दिस नोड विद द स्मॉलेस्ट डेटा ऑफ द राइट सब ट्री। यानी कि कोई ऐसी नोड हमें देखनी है जिसके दो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, और राइट सब ट्री बना रहा है, ठीक है। ऐसी नोड जिसके दो चिल्ड्रन हैं और राइट सब ट्री बना रहा है, और उस राइट सब ट्री में स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें देखनी है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी तो उसको बाईपास करेगा वो, ठीक है। तो हम देखते हैं इस तरीके से, देखिए आपके पास वही सेम ट्री है, केस थर्ड लग रहा है, यानी कि केस फोर। केस फोर में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है कि हमें डिलीट करना है, यहाँ पे मान लिया डिलीट 12 करना है, ये आपको मैंने यहाँ दिखाया है, डिलीट आपको 12 करना है। तो 12 जब डिलीट करना है तो 12 के राइट चाइल्ड में, यानी कि 12 के दो चाइल्ड थे 1, 2, 11 एंड 14, और 14 क्या था, राइट चाइल्ड, यानी कि मैंने इसमें आपको दिखा रखा है केस जो फोर है वो कह रहा है आपको राइट चाइल्ड पे देखना है। तो राइट चाइल्ड का आपको स्मॉलेस्ट, अब इन जो 12 है, 12 की ये जो सब ट्री है पूरी राइट वाली, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 13, ये सबसे जो छोटी नोड है वो है 13, इसको मैंने लिख भी दिया है साइड में स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब आपको इसमें से क्या करना है, डिलीट करना है 12 को। तो ये क्या करता है, बाईपास कर देता है 14 को, यानी कि जो आप अब 12 का जब आपको डिलीट करना है 12, तो आप 12 को डिलीट करोगे तो यानी कि 13 आपका क्या हो जाएगा, 13 बन जाएगा अब आपका रूट नोड। तो देखिए मैंने इसको आपका सेम ये यहाँ करके दिखाया, रेड पेन से दिखाया आपको, 22 के दो चाइल्ड हो गए, यानी कि जो 13 था वो अब क्या हो जाएगा 14 का, यानी कि राइट सब ट्री का वो पेरेंट्स बन जाएगा, ठीक है। तो उसका जो लेफ्ट राइट चाइल्ड था 14 और 14 का राइट चाइल्ड था 17, तो वो
वो वहीं उसी प्लेस पे रहेंगे, सेम प्लेस पे, उनका कोई प्लेस चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिलीशन कैसे करते हैं, कैसे वैल्यूज को डिलीट करते हैं। तो ये ओनली उसके फोर केसेस हैं, ये फोर केसेस आप इसको देख लीजिए, इस केसेस से आप करोगे तो आपको आसानी होगी ट्री में डिलीशन करने की। तो आई होप आपको डिलीशन और इंसर्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आपके ऑपरेशन के ऑपरेशन है, ऑपरेशन आपके, मैंने आज इंसर्शन और डिलीशन बता दिया है, कल के मैं लेक्चर में आपको सर्चिंग एंड मॉडिफिकेशन बताऊंगी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।